नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कभी भयंकर बाढ़ तो कभी सुखाड़ के लिए चर्चित बिहार का मधुबनी जिला इस वर्ष अब तक सामान्य से काफी कम बारिश होने की वजह से भीषण गर्मी को झेलते हुए विकराल रूप से सुखाड़ की चपेट में है। ऐसे में कई स्तरों से मधुबनी जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को विशेष राहत देने की सरकार से मांगे उठने लगी है। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उनके द्वारा जिला पदाधिकारी मधुबनी के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक स्मारक पत्र देकर संपूर्ण मधुबनी जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का मांग किया गया है। जिलाध्यक्ष प्रोफेसर झा ने अपने स्मारक पत्र में कहा कि संपूर्ण मिथिला क्षेत्र खासकर मधुबनी जिला लगातार कई वर्षों से कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ से प्रभावित होता रहा है। वर्तमान हालात यह है कि जुलाई माह समाप्त होने को है, लेकिन मानसून की बेरुखी के कारण संपूर्ण जिला भयंकर सुखाड़ की चपेट में है। धान की रोपनी 90% प्रभावित है। पानी के अभाव में बिचरा एवं रोपे गए पौधे सूख गया है। जिला के लोगों को अकाल का डर सताने लगा है। लोग तराही तराही करने लगे हैं। सरकार के स्तर से किसी प्रकार की मदद नहीं दी जा रही है। वैसे परिस्थितियों में किसानों एवं मजदूरों के व्यापक हित में ठोस एवं त्वरित आवश्यक कदम उठाने की जरूरत आ पड़ी है। प्रोफेसर झा ने आगे कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी आपसे मांग करती है कि अविलंब संपूर्ण जिला को सूखा क्षेत्र घोषित कर तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित राहत दिया जाए और आवश्यक कदम उठाए जाए। बाढ़ एवं सुखाड़ का स्थायी समाधान के लिए कमल, कोशी एवं नूनथर पर बहुउद्देशीय डैम का निर्माण एवं वन बिजली का उत्पादन की दिशा में ठोस पहल हो। किसानों को प्रति एकड़ 25,000 रूपए मुआवजा, किसानों एवं मजदूरों के लिए मुफ्त अनाजों की व्यवस्था, सभी किसानों का कृषि ऋण माफी, सभी सरकारी नलकूपों को अविलंब चालू करने, 90% अनुदानों पर निजी नलकूप किसानों को मिले, किसानों को बिजली बिल एवं मालगुजारी टैक्स का माफी, निजी नलकूपों को बिजली से जोड़ना मजदूरों के व्यापक हित में रोजगार सृजन, किसानों को डीजल पर प्रति लीटर 50% अनुदान, किसानों को आगामी फसल के लिए मुफ्त खाद एवं बीज के साथ साथ पूरे जिले में पीने के पानी का भी गंभीर संकट उत्पन्न का निदान शीघ्र हो। धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। संपूर्ण बिहार, खास करके मिथिला क्षेत्र और मधुबनी पिछले कई वर्षों से लगातार बाढ़ और सुखाड़ के दंश यहाँ के लोगों ने झेलता रहा। इस दिशा में जो सरकार के स्तर पे पहल होनी चाहिए, जो उसका स्थायी निदान क्या हो सकता है, उस दिशा में आज तक सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाई है। आज मैंने जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक स्मारक पत्र भेजा है निश्चित रूप से, और उसमें मैंने चर्चा किया है जो मिथिला परिक्षेत्र के साथ साथ मधुबनी भयंकर सुखाड़ की चपेट में है और यहाँ के जो किसान 90% धान की रोपनी न हुई है, जो 10% रोपनी हो सकी है वह पौधा आज झुलस गया है। धान का जो बीज है, जो लोग अपने खेत में डाले हुए थे, वह बीज पानी के अभाव में सूख सा गया है, झुलस गया। किसानों के पास कोई उसके निदान का उपाय नहीं दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया हूँ कि मधुबनी जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर विभिन्न जो आवश्यक कदम है वह उठाई जाए, और ताकि जिला के किसानों को, मजदूरों को उसका लाभ मिल सके। इसलिए मैंने अपने पत्र में उल्लेख करते हुए कहा है, जो मिथिला और मधुबनी को बाढ़ और सुखाड़ के दंश से निकालने के लिए, उसके निदान के लिए कमला, कोसी, नूनथर के ऊपर बहुउद्देशीय डैम का निर्माण अविलंब किया जाए और उससे जो पनबिजली उत्पादन होगा उसका भी कदम उठाया जाए। साथ ही मैंने मांग किया हूं जो किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 25,000 रुपया मुआवजा दिया जाए,
किसानों का जो कृषि ऋण है तत्काल प्रभाव से माफ कर दिया जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।